वेलकम टू बरियाल गनाश। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। कैरामेल खीर की रेसिपी है और बहुत ही कम सामान में बनेगी और जल्दी से बन जाएगी, एकदम चटपट। ये देखिए, मेरे पास में 1 लीटर फुल फैट मिल्क है, 1 कप शक्कर है, 1/4 बासमती राइस है। मैंने इनको 3-4 घंटे तक के भिगा के रख दिया था पानी के अंदर। और आप फुल लीजिए, ये टुकड़ा है बासमती और ये बादाम पिस्ता है जिसको मैंने मिक्सर में डाल के थोड़ा टुकड़े कर लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर ये 1 लीटर में दूध डाल रही हूँ। दूध पक जाएगा, इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैं आगे क्या करना है बताती हूँ। दूध को बॉयल हो गया, अभी अच्छे से हमारा दूध बॉयल हो गया। अब इसके अंदर में ये चावल जो है उनको ऐड कर दूंगी मैं सारे। इनको हिलाऊंगी थोड़ा और धीमे धीमे पकेंगे ये, कम से कम आधा घंटा तक की ये पकेंगे स्लो पे। 30 मिनट जाएगा इसको पकने में। ये देखिए, चावल हमारे काफ़ी पक गए हैं इस तरीके से, और आधे घंटे से इसी तरीके से ये पक रहा है। अब इसके अंदर में ये मिल्क पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर एक ठंडे दूध में डाल के उसको मेल्ट करके और इस तरीके से इसमें डाल दूंगी और ये गल जाएगा। फिर इसके अंदर में मिक्स करके बाद में इसमें डाल देती हूँ मैं दूध खीर के अंदर। ये मिल्क पाउडर को मैंने ठंडे दूध में मिक्स कर लिया। अब इसको मैं धीमे धीमे इसमें डालूंगी और चलाती जाऊंगी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप चाहे तो आप इसके अंदर अगर पाउडर ना डालें तो आप मिल्क मेट ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो गया और खीर भी इससे गाढ़ी हो जाती है। बरियाल ग्लैमर अ लग्जरी स्किन केयर ब्रांड, टू फॉलो अवर पेज ऑन इंस्टाग्राम फॉर लग्जरी हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। ये देखिए, मैं इसके अभी 1/3 इसके अंदर शक्कर डाल दूंगी। दूध एकदम गर्म है और फास्ट पे है, इसी तरीके से हिलाते रहेंगे इसको थोड़ा। अब फास्ट पे करके हिला लेंगे और दूध चावल भी देखिए काफ़ी अच्छे से दूध हमारी खीर गाढ़ी हो रही है और चावल भी पक गए हैं। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, बरियाल गनाश को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड में, भूलिए मत सब्सक्राइब करना। बरियाल शॉर्ट्स, बरियाल ग्लैमर को भी आप लोग फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बरियाल तबक को भी आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको मैं और 10 मिनट तक इस तरीके से हिलाऊंगी। अब इसके अंदर मैं कैरामेल डालूंगी इसके अंदर। ये मैंने एक पैन ले लिया, गैस पे रख दिया और इसमें मैं 1/2 कप शुगर डाली। इसके बाद में ये शुगर मेल्ट होने लगेगी। शुगर देखिए मेल्ट होने लगी हमारी, और इसको इस तरीके से स्टर करते रहे, एक जगह पे जमा नहीं रखे नहीं तो ये क्रिस्टल हो जाएगी। यूँ हिलाते रहें इसको कंटिन्यू, इसका कलर भी चेंज होने लगा है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस मेल्ट हो जाए। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को फास्ट रखें क्योंकि अगर स्लो रखेंगे तो वो फिर चिक्की जैसी हो जाएगी। इसके लिए इसका कलर बदलना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, डार्क ब्राउन करेंगे तो शुगर आपकी जो है वो कड़वी हो जाएगी और फिर वो अपनी खीर भी कड़वी हो जाएगी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये सब शुगर मेल्ट हो रही है, इसका थोड़ा सा कलर बदलेगा। देखिए किस तरीके से इसका कलर बदलने लगा है। शुगर कैरेमलाइज हो गई है हमारी, और इसको इसके लिए चलाया है क्योंकि अगर नहीं चलाते तो क्रिस्टल हो जाते, अच्छे से मेल्ट हो गई है।
अब मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी नहीं तो कड़वी हो जाएगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अच्छा सा सिरप बन जाएगा। गैस को बंद कर दिया, इसको फास्ट फास्ट हिलाते रहना। ये देखिए पूरी शुगर इसमें गल गई है और ये सिरप बन गया है। सिरप बनने के बाद में इसको क्या करेंगे कि इसको मैं खीर के अंदर डाल दूंगी। अगर मैं डायरेक्ट डालती तो वो एक गट्ठा बन जाता शुगर का, और इसका अब इससे कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। इसको मैं चलाऊंगी, ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है। ये देखिए तैयार हो गई हमारी खीर और बहुत अच्छी से बनी है और कलर भी कितना प्यारा है। इसको मैं थोड़े से इसमें बादाम पिस्ते सब गार्निश करूंगी और ठंडा करने रख देती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा पकाएंगे नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जम जाएगी। और गैस को अब बंद कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।